सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्च के बारे में बात करेंगे कि स्टार्च क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्च मेन स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स होता है। मेन स्टोर्ड फूड मतलब कि प्लांट पे जो फूड स्टोर होती है यानी ग्लूकोज, वो स्टार्च की फॉर्म में होते हैं। मेन स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स या फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। बेसिकली तो ग्लूकोज को हम जब कंबाइन करेंगे, उसकी चेन बनाएंगे, तो हमें बाहर स्टार्च बनेगा। यानी ग्लूकोज इज दी मोनोमर, सो ग्लूकोज से बना होता है स्टार्च। ग्लूकोज इज दी कंपोजिशन ऑफ स्टार्च। अब कौन सा ग्लूकोज, अल्फा या बीटा, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ग्लूकोज इज दी कंपोजिशन ऑफ स्टार्च। ये आपको क्लियर हो गया कि स्टार्च मेन स्टोर्ड फूड होती है प्लांट से और ग्लूकोज इसकी कंपोजिशन है। ये क्या होते हैं स्टार्च, क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट भी कौन सा? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 हो। और पॉलीसेकेराइड है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दो से ज़्यादा ग्लूकोज अरेंज है या मोनोमर्स अरेंज है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, या आप इसको टाइप्स बोलो। स्टार्च के बेसिकली दो टाइप बात कर सकते हो आप स्टार्च के, या दो पार्ट्स बोल सकते हो। एक होता है अमाइलोस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक होता है अमाइलोपेक्टिन। अभी हम कंपोजिशन की बात नहीं कर रहे, अभी हम इसकी पार्ट्स की बात कर रहे हैं, टाइप्स की। अमाइलोपेक्टिन, इसकी डायग्राम भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अमाइलोज जो होता है ना, वो वाटर सॉल्यूबल होता है, मतलब इसको हम वाटर में डिजॉल्व कर सकते हैं, वाटर सॉल्यूबल होता है। जबकि अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्यूबल होता है, इसको हम वाटर में डिजॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्यूबल नहीं है वाटर में, सही है। अमाइलोज जो होता है ना, वो क्या होता है प्लांट्स में, या आप बोल सकते हो स्टार्च में, ये 15-20% होता है। ओकर्स 15% to 20% अमाइलोज। जबकि अमाइलोपेक्टिन अप्रोक्सीमेटली लगभग 85% होता है स्टार्च में। अमाइलोपेक्टिन ये इसके पार्ट्स हैं, सही है। मतलब स्टार्च में अमाइलोपेक्टिन भी होते हैं, अमाइलोज भी होता है। अमाइलोज 15-20% होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन 85% होता है। ये होते क्या है, मैं आपको आगे बताता हूँ। ये होता है हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल या अनब्रांच्ड बोलो, हेलिकल और अनब्रांच्ड, मतलब सीधा सीधा होता है। जबकि ये होता है ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, यानी इसमें कोई ना कोई ब्रांच लगी होती है। क्या लगा होता है, मैं आगे आपको बता दूँ, सही है। इसमें कितने यूनिट्स आते हैं, यानी कितने ग्लूकोज के यूनिट्स आते हैं? 250 से लगभग 1000 तक क्या यूनिट्स आते हैं। कौन से यूनिट्स? ग्लूकोज के। ग्लूकोज से बना होता है ना, हमने डिस्कस किया स्टार्च, कंपोजिशन ऑफ स्टार्च इज ग्लूकोज। तो इसमें कितने होते हैं, लगभग 2000 से 2 लाख तक यूनिट हैं, सही है, 2 लाख तक, 2 लाख यूनिट्स ग्लूकोज के यूनिट, सही है। ये क्या होता है, इसमें लिंकेज की हमें आगे बात करते हैं। ये स्मॉल इन साइज होता है, स्मॉल इन साइज अमाइलोज स्मॉल इन साइज होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन लार्जर इन साइज होता है। क्योंकि इसमें यूनिट ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये साइज में बड़ा होगा। इसमें जो लिंकेज पाई जाती है, लिंकेज क्या मतलब बॉन्ड, मैं आपको ये डायग्राम में समझा दूंगा। अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक, क्योंकि ग्लूकोज से इसलिए इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। इसमें कौन सी पाई जाती है, इसमें पाई जाती है अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये किस तरीके से बॉन्ड बनता है, इसका स्ट्रक्चर कंपोजिशन हम आगे देखते हैं, सही है। तो ये थोड़ा सा हमने कर लिए ओवरव्यू स्टार्च के बारे में। इसमें अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होते हैं, अमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है, सही है। ये अनब्रांच होता है अमाइलोज, जबकि अमाइलोपेक्टिन ब्रांच होता है। इसमें 250 से 1000 तक ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं, जबकि अमाइलोपेक्टिन में 2000 से 2 लाख तक यूनिट्स हो सकते हैं। अमाइलोज छोटा होता है साइज में, जबकि अमाइलोपेक्टिन लार्ज इन साइज होता है।
अमाइलोज में लिंकेज जो होती है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिन, जबकि अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिन। अब ये लिंकेज किस तरह से जुड़ती है हम वो देख लेते हैं, सही है। सो अब हम लिंकेज देखेंगे कि किस तरह किस तरीके से होती है। हमें ये तो पता है कि स्टार्च जो होता है ना वो किससे बना होता है, ग्लूकोज से। कौन से ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज। अल्फा का क्या मतलब कि इसमें OH नीचे की ओर होगा, मैं आपको समझाता हूँ, सही है। पहले मैं बना रहा हूँ अमाइलोज का स्ट्रक्चर, सही है। किस तरीके से बनेगा ये आप देख सकते हैं, किस तरीके से ये रिंग स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ ग्लूकोज का, एक ग्लूकोज का, सही है। ऑक्सीजन फर्स्ट में ऊपर एच, नीचे OH, एच OH। और हाँ, ये क्योंकि स्टार्च पॉलीसेक्राइड है, ये एक होमोपॉलीसेक्राइड है, यानी इसमें सिर्फ ग्लूकोज के यूनिट्स ही हैं, यानी या सेम यूनिट्स जुड़े होते हैं, ये एक होमोपॉलीसेक्राइड है, याद रखना इसको, स्टार्च इज अ होमोपॉलीसेक्राइड। अभी दूसरा यूनिट है। इस तरीके से बहुत सारे लाखों यूनिट्स जुड़े होते हैं स्टार्च में, सही है। ये एच मैं भी फिलहाल दो बनाऊंगा, सही है। ये हुए एच OH, मैं दो इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक टाइम कम है और पेज भी थोड़ा कम है, इस वजह से मैं दो ही बना रहा हूँ, आप समझ जाओगे दो में, सही है। ये मैंने दो बनाए, अब मैं नीचे इसके तीन बना देता हूँ, सही है, या दो एक बना देता हूँ, या चलो तीन यहाँ पर बना देता हूँ, दो नीचे बना दूँगा, आपको समझा, सही है। आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आता ही होगा, 10 बार बना चुका हूँ मैं वो लिख के, हाउ टू फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोसिस, मैंने ये वीडियो भी अपलोड की है, या तो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, मोनोसेक्राइड की 1,2 डिवीजन भी मैंने अपलोड की थी, वहाँ से देख लेना आप, सही है। और इनकी अलग अलग सेपरेट वीडियोज भी बनाई थी हमने, तीन मैंने यहाँ पर बनाए हैं और मैं दो यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरीके से ड्रॉ करूँ, चलो इस तरीके से रिंग स्ट्रक्चर के ना, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा आपको आएगी, सही है। रिंग स्ट्रक्चर बनानी तो आसान है, पर उसको समझना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं अभी इस वजह से यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मैं समझा चुका हूँ एक दो बार मतलब बहुत बार, सेपरेट वीडियोज इनकी मैंने बनाई हैं, अलग अलग से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लिखा है मैंने, आप वो वीडियो देख लेना। वो अच्छे यहाँ पर थर्ड कार्बन पर चेंज है, सही है, यहाँ पर CH2। अब ये किस तरीके से बने, ये कौन सा कार्बन है, यहाँ पर आते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स, मतलब ये फिफ्थ कार्बन है, ये फर्स्ट है, ये सिक्स, और सॉरी 1, 2, 3 ये फोर होगा, गलत है, यहाँ पर फोर आएगा, यहाँ पर पहला और चौथा कार्बन लिखा पड़ा है, सही है ना। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख लेते हो, यहाँ पर पहला और चौथा है, ये OH दोनों कंबाइन होंगे और यहाँ पर ये OH दोनों कंबाइन होंगे। तो मैंने क्या बोला था, अमाइलोज एक होती है स्ट्रेट चेन में होती है, अनब्रांच्ड होती है, यानी इसमें कोई भी ब्रांच नहीं लगती। हमने तीन यूनिट्स बनाए हैं ग्लूकोज की, यहाँ पर 250,000 यूनिट तक हो सकते हैं अमाइलोज के सीधी चेन के, सही है। तो मैंने ये तीन बनाए हैं, यहाँ से H2 स्प्लिट होगा, क्या होगा, H2 स्प्लिट होगा, H2 स्प्लिट होगा, यहाँ पर तो H2 स्प्लिट होगा, ये आपको पता चल गया, एक मिनट मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, H2 स्प्लिट होगा, यहाँ पर आपको पता चल गया H2 स्प्लिट होगा, ये बन गया अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। अब 1,6 आ रहा था अमाइलोपेक्टिन में, वो किस तरीके से आता था, तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सिक्स कार्बन है, यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है, ये सिक्स कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन, यहाँ भी फर्स्ट, यहाँ भी फर्स्ट, हमने बोला था कि फर्स्ट और सिक्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या होगा कि इसका OH, इसके OH से यहाँ तक ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे। मैंने है ना थोड़ा डायग्राम इधर बना था, मैंने थोड़ा इस तरीके से यहाँ तक बना दिया, या तो आप चाहो तो इसको इस तरह भी बॉन्ड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको यहाँ से बॉन्ड बना रहा हूँ।
ये ओएच इस तरीके से स्प्लिट होंगे और रिजल्टन हमें कंपाउंड देंगे जिसे आप स्टार्च बोलते हो। सही है, ऑक्सीजन में दो बनाना होंगे। सही है, ये आप देख सकते हो उधर, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच ओ एच, थर्ड में ओ एच एच, फोर्थ में एच ओ एच, सॉरी एच, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड बना था, मैं ओ एच यहाँ पर लिखूंगा, वेट कीजिएगा आप थोड़ा। सही है, तो यहाँ पर ओ एच एच, फिर से टाइम लगता है यार स्ट्रक्चर बनाने में, रिंग स्ट्रक्चर। आप अगर मेरी तरह बनाना चाहते हो तो बार बार वीडियोस को देखो, और ये जो हमने जोड़ा था ना इसके साथ, मैं इसकी यहाँ पर बना रहा हूँ, ओ एच, यहाँ पर ओ एच आ जाएगा, फिर यहाँ पर एच ओ एच, सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ही लिखने होते हैं रिंग स्ट्रक्चर में। अब हमने क्या निकाला था, यहाँ पर यहाँ से ओएच निकाला था, यहाँ से ओएच निकाला था, और इन दोनों में से ओएच ओएच स्प्लिट किया था। मैं इन दोनों की बात करूँ, अगर आप इसको फिलहाल इसको साइड कर दो यार, मैं दो की बात करूँ आप खामा का कंफ्यूज हो जाओगे। सही है, तो हमने इन दोनों को एच टू स्प्लिट किया, यानी यहाँ पर एक और प्रोडक्ट बना जिससे हम बोलते हैं एच वाटर, सॉरी ऑक्सीजन। वाटर यहाँ पर स्प्लिट हुआ, यहाँ पर बन गया ऑक्सीजन, इन्होंने इनके दरमियान बॉन्ड बनाया, और इसको हम बोलते हैं वन फोर एल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक इनकेज, इसको बोलते हैं हम एल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या बॉन्ड लिंकेज भी बोल सकते हो। सही है, अब हमने क्या किया था कि इसमें ओएच ओएच का ओएच निकाला था, और हमारे पास एक प्रोडक्ट बना था जिसमें ओएच ओएच वाटर स्प्लिट किया, यानी ऑक्सीजन एक बचा, दो थे, एच टू ओ में दो ऑक्सीजन आते हैं, और सॉरी एच टू ओ में दो हाइड्रोजन आते हैं, एक ऑक्सीजन आता है, एक ऑक्सीजन हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इन दोनों के दरमियान ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा, और इस स्ट्रक्चर या बॉन्ड में क्योंकि फर्स्ट और सिक्स कार्बन इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको लिंकेज को बोलते हैं अल्फा वन सिक्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस तरीके से स्टार्च की फॉर्मेशन है, मैंने आपको ये भी बता दिया। तो ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ बता दिया, फिर भी एक बार रिवाइंड करके बताता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये हमने आप इन फिलहाल इसको छोड़ दो, यहाँ पर इसको छोड़ दो, इसको देखो ही ना, आप इन दोनों को देखो, मैंने ये दो बनाए, और यहाँ भी दो, यहाँ पर एक बनाया, दो दो बनाए, ग्लूकोज यहाँ पर H2O को निकाला, यहाँ पर ऑक्सीजन बचा, जूम करके आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा, क्योंकि सफाई से नहीं नज़र आ रहा होगा आपको, तो आप समझ जाना यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा जो कि इनको दरमियान कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, और फिर हमने सिक्स कार्बन और फर्स्ट कार्बन को इन्वॉल्व किया जिसमें OH और OH एक दूसरे से बॉन्ड बना रहे हैं, जिसमें OH और OH वाटर में कन्वर्ट हुई, और वाटर यहाँ पर H2O स्प्लिट हुआ, और स्प्लिट होने के कारण यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा जो कि इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बना रहे फर्स्ट और सिक्स कार्बन के दरमियान, तो इस बॉन्ड को हमने बोला अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो होप आपको सब समझ आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।